G20 समिट में पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? इंडोनेशिया की बाली में मोदी किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे? G20 को लेकर पुतिन ने क्या बड़ा बयान दिया है? G20 समेत दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। G20 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के बाली जाएंगे। पीएम मोदी बाली में करीब 45 घंटे तक रुकेंगे और करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। G20 समिट में पीएम मोदी 3 प्रमुख सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य में शामिल होंगे। G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है। समिट में भारत, चीन और अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग और इसके प्रभाव समेत कई वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। G20 समिट में पीएम मोदी लगभग 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा 15 नवंबर को पीएम एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित और बातचीत करेंगे। बता दें कि पूरे इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों की स्थिति मजबूत मानी जाती है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस साल 1 दिसंबर से भारत एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। बाली में भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। पीएम मोदी समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से G20 की अध्यक्षता प्राप्त करेंगे। भारत दिसंबर 2023 में अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 समिट शुरू होने से पहले रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा कि G20 में सुरक्षा और जंग पर बातें नहीं होनी चाहिए। रूस ने कहा कि बाली के G20 समिट में दुनिया की आर्थिक समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। कंबोडिया की राजधानी नोम पे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों, रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा, G20 और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हुई। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।